दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी आ रही है आप सभी के लिए आ रही है, काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है, मुंबई मेट्रो की तरफ से आ रही है। गाइड यहां पर देखिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले देखिए मैं बता दूँ, यहाँ जो है आप सभी अप्लाई कर सकते हैं मुंबई मेट्रो। मेट्रो के बारे में सभी लोग जानते हैं कि मेट्रो की वैकेंसी काफ़ी अच्छी रहती है, साथ ही इसमें सैलरी पैकेज भी तगड़ा रहता है। देखिए सैलरी पैकेज की बात करें हम लोग तो सैलरी पैकेज यहाँ पर 56,000 लगभग आप लोग का, देखिए यहाँ पर 56,000 तक आप लोग का यहाँ पर सैलरी पैकेज रहता है। और यहाँ जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका गाइस जो है अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, तो आप लोग जरूर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए जिससे कि आप सभी अप्लाई अच्छे से कर पाए। और अगर आपको इस नोटिफिकेशन की लिंक चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। उससे पहले मैं क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर बीटेक किया है तो आप लोग एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। बाकी और भी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो गाइस देख सकते हैं मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। नोटिफिकेशन है मुंबई मेट्रो की तरफ से और यहाँ जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। साथ ही आप सभी यहाँ से देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग ये वर्क करती है। और यहाँ पर इसकी मेन वेबसाइट दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँगी तो आप सभी देखेंगे यहाँ जो है इसके बारे में दिया गया है। आप पे स्किल जो सैलरी पैकेज है वो भी बताया गया है, नंबर ऑफ वगैरह आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए चीफ इंजीनियर सिविल वालों के लिए जो मेट्रो में जॉब करना चाहते हैं, सिविल से हैं, उनके लिए यहाँ काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। देख सकते हैं सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा रहने वाला, लगभग आप लोगों का यहाँ पर बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है और 2 लाख तक आप लोग की सैलरी जाएगी। उसके बाद देखिए गाइस नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है बाय चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर की वैकेंसी दी गई है और यहाँ इसकी जो सैलरी पैकेज है, मतलब यहाँ पर सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 78,000 से आप लोग की सैलरी की स्टार्टिंग होगी, काफ़ी अच्छी है आप सभी के लिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है, ये भी सिविल वालों के लिए 60,000 प्लस आप लोगों की यहाँ सैलरी पैकेज रहेगा, स्टार्टिंग है गाइस ये सैलरी की। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाख तक आप लोग का सैलरी जाएगा। बाय इंजीनियर यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की दी गई है, 56,000 आप लोग का प्लस सैलरी पैकेज जाने वाला है गाइस, ये स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर पोस्ट दिया गया, अब देखिए जो है आप सभी के लिए मैं यहाँ पर डेट वगैरह बता देती हूँ, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। तो गाइस यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन थोड़ा सा देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, आपको मराठी थोड़ा अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र की तरफ आप लोग जाएंगे तो मराठी भी आना चाहिए। और महाराष्ट्र वाले लोग तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कोई भी मिस्टेक होता है तो आप लोगों को निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। और यहाँ आप लोग को इंटरव्यू के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, ओनली ऑन इंटरव्यू ही होगा। उसके बाद देखिए थोड़ा स्क्रॉल कीजिए तो आपका ये जो इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है क्या रहने वाला है। और 21 जून आप लोगों की लास्ट डेट रहने वाली है, 21 जून मतलब 21 जून तक आप लोग अप्लाई कर दें शाम के 5 बजे तक, ठीक है। अब अप्लाई करने का प्रोसेस भी मैं बता दूंगी। उससे पहले यहाँ पर देखिए पोस्ट देख लीजिए, पोस्ट क्या क्या दी गई है। यहाँ पर सिविल इंजीनियर की दी गई है, देखिए इनके लिए गाइस मैंने आप लोगों की पोस्ट और सैलरी पैकेज पहले ही बता दिया, बट यहाँ पर मेल ने देखिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ में कम मांगा गया है कुछ में ज़्यादा। देखिए मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर 15 साल का चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है डिप्टी चीफ इंजीनियर, इसके लिए भी एक्सपीरियंस मांगा गया है गाइस। क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट एलिजिबल है, एक्सपीरियंस 10 साल तक का मांगा गया है, 7 साल का भी चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन, मतलब जो है ग्रेजुएट होंगे या फिर डिग्री कर रखा है सेल से, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की दी गई है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट वाले अप्लाई करेंगे, लेस देन मतलब जो है 5 साल से कम नहीं होना चाहिए आप लोगों का। इसी तरीके से यहाँ पर इंजीनियर की दे रखी है असिस्टेंट इंजीनियर की, सिविल वालों के लिए डिग्री हो या डिप्लोमा हो तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री और डिप्लोमा के लिए वैकेंसी आ रही है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसीलिए गाइस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बोलती हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर अपना अप्रेंटिस वगैरह कंप्लीट कर लीजिए जिससे कि आप लोग अप्लाई कर पाएँ। बट गाइस देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेन ये बताया गया है, थोड़ी सी ये दिक्कत हुआ कि ये जो डिग्री वालों के लिए तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, बट जो हमारे डिप्लोमा उनके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट मैं आप लोगों को बता देती हूँ अप्लाई लिंक किस तरीके से करना है। अप्लाई का मेल लिंक, लास्ट डेट तो आप लोगों को 21 जून है और ये स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, 21 जून है, लास्ट डेट 5 बजे तक आप सभी का यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। अब ये ऑफलाइन माध्यम में करना है, इससे पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी जान लीजिए। टर्म एंड कंडीशन देखिए, अगर आपके पास जो एज लिमिट है आपकी इसके अकॉर्डिंग देखी जाएगी, मतलब 31 मई के अकॉर्डिंग एज लिमिट देखी जाएगी। और आपका जब जैसे आप लोग फॉर्म फिलअप कर देंगे ऑफलाइन मोड में फॉर्म फिलअप कर देंगे और वो पहुंच जाएगा, उसके बाद जब आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तो आपके पास एक कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर के माध्यम से आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, इंटरव्यू में आप लोग सेलेक्टेड होते हैं तो ऑफर लेटर आएगा, उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और देन आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। गाइज यहाँ पर मेरिट जो है, मेरिट आप लोग का रहेगा मेरिट लिस्ट के आधार पर ही होगा, मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू इसके आधार पर ही होने वाला है। अप्लाई किस तरीके से करेंगे, देखिए थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक फॉर्म दिया गया है नीचे, देखिए थोड़ा और कीजिए, यहाँ फॉर्म दिया गया, ये आप लोग देख पा रहे हैं। इस फॉर्म को ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना, मतलब इसको पीडीएफ फॉर्म में निकलवा लेना। आप लोग जब निकलवा लेंगे इससे बाहर तो आपके और भी डॉक्यूमेंट है उन्हें भी लगा लेना है। देखिए डॉक्यूमेंट दिए गए हैं नीचे, ये सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जैसे आधार कार्ड अपना जो भी है, अपने डॉक्यूमेंट है, सैलरी पैकेज वगैरह, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कर लेना इसके साथ में, और लगाने के बाद इस फॉर्म को भी निकलवा लेना। ओके, इस फॉर्म को पूरा फिलअप कर देना और यहाँ पर ट्रूली फिलअप करना, मतलब सही सही फिलअप करना। और फिलअप करने के बाद किस एड्रेस पे सेंड करना है, ये एड्रेस दिया गया है ये वाला, ठीक है, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। 21 जून तक ये पहुंच जाना चाहिए, अगर नहीं पहुंचता है उसके बाद पहुंचता है तो आप लोग पैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर 21 तक पहुंच जाता है तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे और आप लोगों का वहां से शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा, मतलब कॉल लेटर आ जाएगा, तब आप लोगों को इंटरव्यू देने जाना है। तो काफी अच्छी रिक्रूटमेंट है गाइस, भले ही आप लोगों की थोड़ा दूर हो बट बहुत अच्छी है रिक्रूटमेंट, बहुत अच्छी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल, और डिग्री वाले तो 1 साल वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो गाइस अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि आप लोगों का, आप उनका भला करेंगे तो वो लोग आपका भला करेंगे। तो अप्लाई जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।